सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है संडे। अभी मैंने बात कर ली है गोपीनाथ मार्केट के अंदर। गोपीनाथ मार्केट एक एक्चुअली डेली बेस्ड आर्मी कैंटीन है, मतलब आर्मी वहाँ पर सारा सामान मिल जाता है आर्मी का। और मैं पूरा तैयार होके जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो अपना थोड़ा वार्म हो जाएगा राइड से पहले कि राइडिंग जैकेट, थोड़ी सी गर्मी, काफ़ी तगड़ी गर्मी लग रही है इस टाइम। और क्योंकि हमारे को फर्स्ट डे दिल्ली टू मनाली करना है 600 किलोमीटर्स, तो आदत डालनी पड़ेगी। अगर अभी लाइक इट्स अ 28 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और अगर 60 किलोमीटर अगर अभी राइड नहीं होती तो प्रॉब्लम होगी मनाली में 600 किलोमीटर्स पर। अभी 10% भी राइड नहीं है। मैंने क्वाइको के ये वाले बूट जो है मेरी ऋषिकेश राइड में फट गए थे, मतलब फट क्या गए थे, हल्के से आगे से टीयर्ड है, तो इसका जो वाटरप्रूफिंग है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो इसको मैं रास्ते में ही फेंक दूंगा, वो वाले पहन लूँगा वहीं से। मेरी प्रायोरिटी इज़ कि इस बूट से थोड़े से बड़े बूट हो। दिस इज़ क्वाइको एंड बायोनिक है एंड दिस इज़ हिल्ड। और अब यहाँ से अपन निकल रहे हैं गोपीनाथ मार्केट के लिए। और हाँ, आईडी भाई से बात हो गई है मेरी, कोऑर्डिनेशन करेंगे, अभी मैं फ़ोन करूँगा उनको, तो वो दोनों हम इकट्ठे निकलेंगे और वहाँ से सारा सामान ले लेंगे। राइडिंग जैकेट्स में कुछ मेरे को नेम टैग्स भी लगवाने हैं, एंड चलते आप सीधा बाइक ऑन करते हैं। हम पहुँच गए गोपीनाथ मार्केट के अंदर एंड फुल तैयार होके पैक होके निकला था। मौसम सेक्सी हो रहा है एंड उनको एडी भाई को लगेगा अभी 15 मिनट्स के आसपास, तो 15 मिनट मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो मेरे लेफ्ट हैंड पे एक मदर डेयरी है, मदर डेयरी से अपन लेते हैं दूध और दूध पी लेते हैं। और अभी यार एक्चुअली अभी मैंने ना एडी भाई से उनसे बात करी, हमने जो इंटरकॉम लिया था ना लास्ट वीडियो के अंदर, इंटरकॉम से वो बात कर रहे थे, क्या सेक्सी आवाज़ आ रही थी यार इंटरकॉम में, एक नंबर। मतलब लाइक वो बोल रहे दादा मैं 85 की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा हूँ और आप मेरे को आवाज़ बताओ, ऐसा लग रहा था रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, इतना अमेजिंग उनकी ऑडियो क्वालिटी थी। तो बहुत तोड़ तो भाई आ गया अपना दूध, आधा लीटर केसर दूध, बहुत तोड़ फ्लेवर है और शुगर अच्छी है, कैलरीज अच्छी है, बट हाँ मेरे को कैलरीज की जरूरत है क्योंकि राइड कर रहे हैं, कैलरीज बर्न हो रही है ताकि बॉडी में एनर्जी कम ना पड़े और क्रैम्प्स ना आया, कोई दिक्कत ना हो। कैलरीज तो मैं बर्न कर ही लूँगा साइकिलिंग या वर्कआउट करके, बट अभी के लिए ये दूध बहुत सेक्सी चीज़ है। सो भाई एक घंटे की वेट कराने के बाद यहाँ पर हमारे आईडी दादा आ गए हैं। ओहो, भरपूर भरपूर आनंद लेते हुए भाई। यहाँ पर काफ़ी टैक्स है, ये वाला बूट देखना लाइट वेट है, गए हैं क्या? 1380 रुपये। सो भाई यहाँ पे भैया ने रेट बताए, सभी शूज़ कितने के भैया? 500 का कोई सा भी ले लो, 500 के कोई भी शू ले लो। अपने को ये वाला पसंद आया था बट इसमें फ़र है तो विंटर्स के लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम नॉर्मल राइड्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। और मेरे में जो प्रॉब्लम आई ये देख रहे हैं आप, सोल ये प्रॉब्लम आ गई, इसलिए इसमें मेरे को चेंज करना है। सो भाई शूज़ की यहाँ पर हमने देखी काफ़ी वेराइटी और अपने को पसंद आया है ये, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले शू को देखो, एक नंबर का जैसे रॉयल एनफील्ड का आता ना वैसा। और इसने मेरे को लाइफ टाइम वारंटी दी है सोल की, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस में हीट रेजिस्टेंट और ग्रिपिंग बहुत सेक्सी रहने वाली है इसकी। तो हमने ये वाला फाइनल करा है। भाई हमारे दो जूते निकाल रहे हैं, 3, 8, 9 और 10, मैं देखूंगा 8 या 9 में से कौन सा अच्छा आता है, भाई लेंगे अपन 10 का। तो भाई इसकी फिटिंग आई है एक नंबर वाली, बहुत सेक्सी, इनको यहीं पे रख देंगे, बहुत बढ़िया। तो ये फाइनल हो गया हमारे। सो भाई ये देखा आपने वेस्ट पैक, मैं भी आपको इसकी फिटिंग दिखाता हूँ और बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत मस्त वाला अंदर स्पेस देखो, इस पॉकेट में, इस पॉकेट, इस पॉकेट, इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत सारा सामान। सो भाई ये है अपना वेस्ट बैग, बढ़िया लग रहा है एंड काफ़ी स्पेशियस है, बहुत सारा सामान आ जाएगा इसमें। सो भाई इसके साथ मेरे को दिक्कत आ रही थी, बहुत बड़ा साइज लग रहा था एंड मेरे को कंफर्ट भी नहीं लग रहा था खड़े होने में, नहीं है तो राइडिंग के टाइम तो लगी रहा है कंफर्ट होगा, बट ये इज वेरी गुड। और आड़ी भाई ने क्या बताया इसके अंदर क्या निकला सामान? इसके अंदर कुछ जादू सा निकला था, कहां गया? यस, तो इसको स्लिंग बैग भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये ज्यादा बढ़िया है एंड दिस मैचेस योर पर्सनालिटी।
पिंकी मीठा मीठा एडी भाई मीठा मीठा भाई आरिफ भाई हमारे यहाँ पर हैंड स्टिच हैंडमेड हमारा जो है नाम लगा रहे हैं बहुत सेक्सी वाला लेफ्ट पे नाम लगेगा चिराग खन्ना एंड राइट पे लगेगा हमारा मसूर हो जाएगा दुनिया आएंगे तेरे पास अरे उतारो बहुत मशहूर हो जाओगे भगवान कसम कह रहा हूँ भैया बाबा की वीडियो नहीं देखी तूने लगा ले यहाँ से हमारे को जितना सामान लेना ले लिया है हमने क्या के लिया भाई दोनों बूट्स ले लिए एक एक बूट्स ले लिया अपन ने हाँ और हमने पुलिस बैग लिया दोनों ने एक एक एंड हमने नेम्स का काम हो गया हमारा आईडी यस तो सारा काम यहाँ से हो चुका मोस्टली भाई को स्लीपिंग बैग लेना है मोस्ट प्रोबेबली वो भी हम यहाँ से ले लेंगे मेरा शॉपिंग का काम ले लद्दाख के लिए पूरा हो चुका है एंड आई एम फुली प्रिपेयर्ड एंड आदि भाई कितने एक्साइटेड हो यार एक्साइटेड तो बहुत है प्रिपेयर नहीं हो पाया यार अभी टाइम बहुत बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है बहुत सारी तैयारी करनी है सब्सक्राइब जरूर करना है भाई इनका भी यूट्यूब चैनल खोला नहीं है ये भी खोलेंगे ये भी खोलेंगे ना नहीं मैं नहीं खोलूँगा नहीं जिंदगी जीने में लोग तुम हो ना मेरे साथ सही है तो यहाँ से निकलते हैं एंड मैं बताता हूँ आपको बाकी प्राइसेस बहुत अच्छे लगे यहाँ पे हमारे आरिफ भाई हैंड स्टिच कर रहे हैं बहुत अच्छा काम करते हैं यार आपको कभी भी नेम टैग लगवाना ना आरिफ भाई से लगाओ एक बार प्लीज भैया मास्क उतार दो आप उतार देना प्लीज भैया एक बार उतार दो सब देखना चाहते हैं पूरी दुनिया वेट कर रही है कि इस मास्क के पीछे है कौन उतार ले अरे उतार लो भैया प्लीज उतार ले कुछ नहीं हो रहा ओए भाई तो भाई यहाँ पर जो है अपना भाई ने नाम लगा दिया है नेम प्लेट दिखाओ भाई बताना भैया टनंग टनंग टन रनंग डंग सही है विजिबिलिटी हाँ गुड है गुड पर नाम स्ट्रेट है ना हाँ चिराग खन्ना और अब अपन सोच रहे हैं इंडियन फ्लैग जो है वो इधर लगाएंगे इंडियन फ्लैग जो है हमारा राइट और ऊपर हल्का सा सीधा ही मिलाओ नाम की हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया हाँ और अगर सपोज इसके ऊपर नाम के ऊपर रखते हैं तो ठीक नहीं लग रहा लगाना एक बार इसके ऊपर गुड लुक्स गुड दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है सो भाई यहाँ पर जो है फाइबर निकाल रहे हैं क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा नरम है एंड इसका फाइबर निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी आएगी और प्लस में इसकी जो स्टिकनेस है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी भाई आपका नाम क्या है हिमांशु यार आप भी बहुत अच्छा काम करते हो यार भैया बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो आप सो भाई इस शॉप पे आपको सभी सामान मिल जाएगा एंड कैप्स चाहिए सॉक्स चाहिए ऐसे आर्मी टी शर्ट्स हो गई जैकेट्स हो गई विंटर्स जैकेट हो गई यूनिफॉर्म्स हो गई एंड वेस्ट हो गई स्कार्फ्स हो गए सब चीज़ें बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर आईडी भाई की जैकेट में काम हो रहा है या एंड स्लीपिंग बैग्स नॉर्मल बैग्स वेस्ट बैग्स एंड बूट्स काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हो गई थी फाइनल आखिरी बचा था हमारा वेस्ट बैग जो वेस्ट बैग मैंने दो दिखाए थे वो हमने फाइनल नहीं करे अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक नंबर की फिटिंग है और सामान बहुत मस्त आ जाएगा एक जो बैग देखा था जैसे आर्मी कलर था वो काफ़ी बड़ा था हमारे को इतना सामान कैरी नहीं करना और जो हमने नॉर्थ फेस का देखा था उतनी हमारे को स्पेस कम पड़ेगी स्लिंग बैग भी बन सकता था बट उसका कोई पॉइंट नहीं है अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या लग रहा है एक नंबर तो दिस इज़ हाउ इट्स लुक्स बहुत तोड़ अपीयर लग रहा है मतलब सामान बहुत तोड़ आ जाएगा इसमें और आराम से हम राइड भी कर लेंगे भाई स्लीपिंग बैग और वेस्ट बैग जो लिए हमने इस शॉप से लिए हमारे भैया मिलिटिया कंपनी का क्वालिटी कैसी लग रही दादा क्वालिटी अच्छी लग रही है इसके अंदर की लेयर काफ़ी अच्छी है जो ब्लैंकेट वो निकल भी जाएगा ग्रीन कलर की वो बेस्ट पार्टी भी है एंड वेस्ट बैग काइंड ऑफ वार्म एंड वेस्ट बैग भी अच्छा लगा डाल के दिखाओ एक बार यार बहुत स्पेशियस वेस्ट बैग है एक्चुअली काफ़ी सही ठीक है ना बहुत सही तो भाई यहाँ पर हमारे आईडी दादा हमारे को जा रहे हैं छोड़ के नहीं थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं उसके बाद 10 दिन के बाद फिर मिलेंगे अरे सबसे बढ़िया चीज़ हमारे टैक्स का काम हो गया हाँ स्लीपिंग बैग हो गया आपका डन स्लीपिंग बैग डन वेस्ट बैग डन एंड बूट्स राइट तुम्हारे वाले चेक तो इन्होंने भी वही सेम बूट्स लिए बहुत अच्छी सामान हमारे को मिल गया यहाँ पर एंड अच्छा रहा आज का दिन प्रोडक्शन रहा देयर इज द स्टोर दशमेश आर्मी स्टोर इन गोपीनाथ बाजार मंदिर के सामने बहुत सबसे बढ़िया चीज़ है जो उनके ओनर है ना उनका नेचर बहुत सेक्सी है बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से उन्होंने डील करा नाम नहीं ध्यान लेकिन
अक्सर जिनका नाम हमारे को ध्यान नहीं होता ना, रिश्ते हमारे मजबूत उन्हीं से बनते हैं शुरुआत वाले। धीरे धीरे नाम तो याद हो ही जाता है, लेकिन हाँ ऐसा ही होता है। इनका नाम मेरे को, इनको मैं अनिमेश बोलता था, लेकिन रिश्ते हमारे इतने मजबूत हो गए कि आज एडी भाई बन चुके हैं हमारे। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं ये वाला एपिसोड, एंड जुड़ते रहे लद्दाख के साथ। 3 तारीख को अपन निकल गए हैं।